तो ये देखिए, आज हमने बनाया है मूंग दाल का लड्डू रेसिपी, जो कि झटपट बन जाता है और इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मूँग दाल और हमने लिया है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने एक कढ़ाई ली है और हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंग दाल। और हमें मूंग दाल को लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। मूंग दाल को हमें लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो ये देखिए, दाल को रोस्ट होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और हम दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमें दाल को कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। तो ये देखिए, दाल कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। अब हम दाल को ग्राइंड कर देंगे। दाल को पूरा ठंडा होने पर ही ग्राइंड करना है, वरना अगर आप गरम गरम में इसे ग्राइंड करेंगे तो आपकी मिक्सर खराब हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने दाल को ग्राइंड कर लिया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हमने दाल को वापस से वही कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें इसे दोबारा लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक भून लेना है ताकि दाल में जितना भी कच्चा स्वाद है, जो भी कच्चापन है, सभी खत्म हो जाए और उसे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसे लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से भुना जाए। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, क्योंकि ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है और झटपट बन जाता है और इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए, दाल को भूनते हुए 10 मिनट हो चुका है और दाल जो है वो अच्छे से भुना चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा और हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। आप ये ज़रूर डालें क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध हमें चम्मच से देना है, एक बार पूरा दूध को नहीं ऐड करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसे मिक्स करते जाना है। दूध हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। याद रखें, एक बार में पूरा दूध नहीं ऐड करना है, इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है। और गैस की फ्लेम को ऑफ करके दूध ऐड करना है। हमने 1/2 कप दूध लिया था और हमने पूरा दूध इसमें यूज़ कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए हमने सभी चीज़ों को कर लिया है अच्छे से मिक्स, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और अब ये इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे हाथ से टच कर सकते हैं। जब ये इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे हाथ से आराम से टच कर पाए, तब हमें इसमें ऐड करना है, ये हमने लिया है 1 कप बूरा, इसे तगार भी कहते हैं, ये किसी भी मार्केट में इजली अवेलेबल होता है। हम बूरा को इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी। अगर आपके पास घी नहीं हो तो आप इसके जगह पर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इसका आपको लड्डू बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से इसे बाइंड करना है। हमें इसे हाथों से प्रेस करते रहना है और शेप देना है। ये देखिए इस तरह से लड्डू बनकर तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बनकर रेडी हुआ है। हम सभी को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और अगर आपको लड्डू बाइंड नहीं हो रहा हो तो आप उसमें 1-2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सभी लड्डू को तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मूंग दाल का लड्डू रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही झटपट बन जाता है। और इस लड्डू में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।